वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आज हम लोगों का पार्ट फोर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। बिहार वस्तुनिष्ठ को हम लोगों ने पार्ट थर्ड तक कर लिया है। आज हम लोग पार्ट फोर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पेज नंबर 99, चूंकि हम लोग पीछे 94 to 98 पेज नंबर 94 से 98 तक कर चुके हैं, इसलिए आज हम लोग पेज नंबर 99 से लेकर 102 को करेंगे। कहाँ तक? तो पेज नंबर 99 to 102। थंबनेल में आपका वो दिया रहेगा। आज हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 99 से 102। चलिए, तो जो भी हमारे छात्राएं हैं, नए हैं इस चैनल पे, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पे प्रेस कर, ऑल पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और अपने सहपाठियों का सहयोग करने के भागीदार बने। ये उपयोगी है बीपीएससी 67 के लिए, सीडीपीओ, एसआई और बिहार में विभिन्न प्रकार के जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती हैं, ये सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर बनाएं। कुछ कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, उसके आंसर में भी एक्चुअली मैं बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप जरूर उसे चेक कर लें। अगर आपको किसी क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम बुझाए, संदेह हो, तो आप जरूर उसको चेक करें, क्योंकि मैं तो बुक के अनुसार आपको बता रहा हूँ। जो बुक में दिया है इसका आंसर, उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ और बुक को पढ़ के भी मैं बता रहा हूँ जो बुक के अनुसार बुक में है, क्योंकि ये मनीष रंजन सर की बुक है और बिहार सामान्य ज्ञान जो 2022 है, इसका हम लोग सेशन चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन को सुधारने के भी, क्योंकि बहुत सारे बुक में प्रॉब्लम होती है मिस प्रिंटिंग की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 117 तक हम लोग पीछे कर चुके हैं। आज लगभग 55 से 57 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपका आपके सामने में है, 117 नंबर में। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी थी? साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर है। इस क्वेश्चन में सटीक आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे द्वारा भी, क्योंकि प्रत्येक बुक में डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है। जैसा कि हम बात करें ओल्ड एनसीईआरटी की, तो उसमें 375 किलोमीटर है, किलोमीटर में बात करेंगे तो वैसे ये मील में है। इसमें इसके अनुसार आंसर डी होता है, 200 माइल, और कहीं कहीं 241 माइल भी दिया है। और एनसीईआरटी सार संकलन की बात करेंगे तो वहाँ पे 385 किलोमीटर दिया है, क्रॉन में आपका ये दिया है। और ओल्ड एनसीईआरटी की बात करेंगे तो 375 किलोमीटर दिया है। और इंटरनेट की बात करेंगे तो मोटा मोटी यही दिया है, गूगल पे आप जाएंगे तो आपको यही मिलेगा ये, या कहीं कहीं 390 किलोमीटर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है जिसे मैं बता रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में पटना में भंवर पोखर, कौन सा पोखर? भंवर पोखर मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ। भंवर पोखर मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ, उसके बारे में बताना है। आपका है ए नंबर में ऑप्शन प्रोफेसर अब्दुल बारी, बी में है आपका हसन इमाम, सी में है आपका राजेंद्र प्रसाद और डी में है आपका अली इमाम। आप लोग भी अपना एनालिसिस करते चलिएगा कितना सही होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है, अपना देखना है, चेक करना है, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट है। तो आप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, या तो आप नोट डाउन करें या तो आप इसे खुद से अपना एनालिसिस करें कि कितना हमारा सही जा रहा है। चलिए मैं फटाफट पढ़ते जा रहा हूँ, उसका आंसर बता जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो 118 में जो है भंवर पोखर मैदान में एक सभा हुई, तो किसकी अध्यक्षता में हुई? ये भंवर पोखर कहाँ है? पटना में है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? हसन इमाम ने, भंवर पोखर में हसन इमाम ने। ओके, हसन इमाम। 118 का आपका आंसर बी हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
31 मई 1931 को चौकीदारी करके विरोध में स्वयं सेवकों का नियमित प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ था ये? भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस को कब अवैध संस्था घोषित किया गया? कांग्रेस को कब अवैध संस्था घोषित किया गया? 120 का आपका आंसर हो जाएगा 30 जून 1930। क्या हो जाएगा? कांग्रेस को कब अवैध संस्था घोषित किया गया? तो 30 जून 1930। ठीक है, 120 का आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आइए 121। कब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र, कहां का? तो बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी ने कब विदेशी वस्त्र और शराब की दुकान के आगे धरना देने का प्रस्ताव पारित किया? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 9 मई 1930। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 122 नंबर में क्या दिया है आपका। किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया? तो ये थे आपके छपरा, 122 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आते हैं, नंगी हड़ताल कब हुई थी? नंगी हड़ताल हुई थी 1930 में, याद रखेंगे। 123 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 12 मार्च 1931 को कहां एक सभा का आयोजन किया गया? क्या कब? तो 12 मार्च 1931, जिसमें राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई। तो आपका 124 का हो जाएगा पटना बी। चलिए आप आगे चलते हैं हम लोग, अब आते हैं 125 नंबर पे। इसमें क्या दे रहा है? 12 मार्च 1931 को किसकी अध्यक्षता में हुई सभा में राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की? आप 124 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, 12 मार्च 1931 को कहाँ पे हुई ये सभा? तो पटना में हुई। अब यहाँ में बोल रहा है कि पटना में हुई तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका 125 का हो जाएगा आंसर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब चलिए 126 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भगत सिंह एवं उनके साथियों को कब फांसी दी गई? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों को जो फांसी दी गई, कब दी गई? तो 23 मार्च 1931। 26 का आपका आंसर हो गया ए। भगत सिंह की फांसी के परिणाम स्वरूप कब पटना में पूर्ण हड़ताल हुआ? तो ये 26 मार्च को हुआ था। ठीक है, 26 मार्च 23 मार्च को वो हुए, 23 मार्च 1931 को उन लोगों को फांसी पड़ा, और 26 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी का जो परिणाम, पटना में पूर्ण हड़ताल हो गया। कब पूरे प्रदेश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1931। तो 128 का आपका हो जाएगा ए। कब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई? कब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई? तो वो हो जाएगा 1932 में। क्या हो जाएगा? 1932 में। 129 का आपका आंसर हो गया, क्या हो गया सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने अपनी दंडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? तो क्या हो जाएगा? 24 दिनों में पूरी की थी। 130 का हो जाएगा सी। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर किस कानून का उल्लंघन किया? तो ये नमक कानून का उल्लंघन किया। 131 का बी। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार से किसने भाग लिया? तो बिहार से भाग लेने वाले कौन कौन हैं आप बताएं? गिरिवरधारी चौधरी ने दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार से भाग लिया था। गिरिवरधारी चौधरी, या नाम याद रखेंगे, गिरिवरधारी चौधरी। 132 का आपका आंसर हो जाएगा ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पटना में नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का
पटना में नेतृत्व किसने किया, तो 133 का हो जाएगा आपका जगत नारायण लाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पटना में नेतृत्व किया जगत नारायण लाल। ओके, जगत नारायण लाल 133 का हो गया आपका बी। और यहाँ आपने देख लिया दांडी मार्च से कौन थे भाग लिए थे, गिरिवरधारी चौधरी और सविनय अवज्ञा में जो जगत नारायण लाल ने नेतृत्व किया। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग 134 नंबर पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व दरभंगा में किसने किया था, दरभंगा में, तो ये सत्यनारायण सिन्हा और चतुरानंद दास दोनों ने किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 134 का हो जाएगा आपका डी। डी कौन किया था, सत्यनारायण सिन्हा एवं चतुरानंद दास। ठीक है, सविनय अवज्ञा दरभंगा में। अब आइए मुंगेर में किसने किया सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व, मुंगेर में आपको बताना है। तो ये भी आपका हो जाएगा शाह मोहम्मद जुबेर एवं नंद कुमार सिंह, यानी आंसर हो जाएगा डी। 135 का हो गया डी, शाह मोहम्मद जुबेर एवं नंद कुमार सिंह मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये किया था आपका तीनों हो जाएगा रामदयालु सिंह, कनकधारी ठाकुर एवं रामनंदन सिंह। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा डी, 136 का आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आइए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने किस शहर पर अपना अधिकार कर लिया था, आपको बताना है किस शहर पर अपना अधिकार कर लिया था। तो वो शहर था बढ़ई, कौन था बढ़ई, बढ़ई बढ़ई। ठीक है, तो 137 का आपका हो गया आंसर ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था, 138 का आपका आंसर हो जाएगा 4 मई। 4 मई को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, 138 का आपका आंसर हो गया सी। कब बिहार कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया, कब बिहार के कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया, तो 9 मई 1930 को, कब 9 मई 1930, 139 का आपका हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं किसकी अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकारा, यहां तो देख लिए 9 मई 1930 को स्वीकारा, लेकिन किसके अध्यक्षता में, तो आपको यह बताना है 140 का आपका हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह के अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया गया, किनके द्वारा, तो अनुग्रह नारायण सिंह। अब नेक्स्ट देखते हैं 141 क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ, 141 का आपका हो जाएगा आंसर बिहार। ठीक है, नमक आंदोलन के दौरान कहां नरवास पिंड आंदोलन हुआ, तो कहां हो जाएगा नरवास पिंड, ये 142 का आपका हो जाएगा पटना। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, 143 का आपका हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है 144वां क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किस राष्ट्रवादी नेता ने आमरण अनशन शुरू किया था, 144 का हो जाएगा आपका डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और किसके बीच पूना समझौता हुआ और सांप्रदायिक पंचायत को वापस दिया गया, तो ये हुआ था भीम राव अम्बेडकर के साथ, 145 का हो जाएगा सी।
किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? तो क्लियर है, गांधी जी ने की है। 146 का हो जाएगा बी, 146 का आपका आंसर हो जाएगा बी। किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा किसने दिया? 147 का हो जाएगा आपका गांधी जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्तिगत किस अधिवेशन में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया? 148 का हो जाएगा आपका डी, अमृतसर। महात्मा गांधी ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? 149 का आपका हो जाएगा, 149 का आपका हो जाएगा बी। 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, 149 का हो गया बी, 1940। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, सबको पता है। ए हो जाएगा 150 का हो जाएगा ए। बिहार से प्रथम सत्याग्रही कौन बना? तो श्री कृष्ण सिंह बने प्रथम सत्याग्रही, श्री कृष्ण सिंह। 151 का हो गया बी। और बिहार से दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बना था? तो अनुग्रह नारायण सिंह। 152 का आपका आंसर हो गया सी। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो क्रिप्स मिशन 1940 में भारत आया। कब आया? 1940 में। 153 का हो जाएगा बी। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन 1940 में आया था। किसके नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन आया था? किसके नेतृत्व में? स्टेफोर्ड पैथिक लॉरेंस। 154 का हो जाएगा आपका बी, स्टेफोर्ड क्रिप्स, नाम से ही क्लियर है। किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो वो कहा था किसने? गांधी जी ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 156, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां के अधिवेशन में प्रारंभ किया गया था? कहां के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था? तो 156 का हो जाएगा आपका, 156 का हो जाएगा बॉम्बे, 156 का हो जाएगा बॉम्बे डी, 156 का हो गया आपका डी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? बॉम्बे में किया गया। कब किया? तो 8 अगस्त 1942। तो 157 का भी आपका आंसर हो जाएगा डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना था जो बॉम्बे में हुआ था? तो इसका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ए। 158 का हो जाएगा आपका 158 का हो जाएगा ए। भारत 159, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कहा था कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा हो? कौम तब बैठी नहीं रहेगी जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा हो। 159 का हो जाएगा डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही कहा था ऐसा। तो 159 का हो गया डी। अब आइए 160 का आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 160 का हो गया सी, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था पेश किया था। ये तो सबको पता होगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। 161 करो या मरो, डू और डाई, ये दिया था आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। करो या मरो 161 का आपका हो गया
कौन दिया है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। करो या मरो, करो या मरो की नारा किसने दिया है? अबुल कलाम आजाद ने। क्लियर हो गया? नहीं तो मैक्सिमम लोग फिर से एक बार मैं बोलूंगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ही होगा, डू और डाई। बुक में गलत दिया है, सॉरी। इसका आंसर आपका महात्मा गांधी ही होगा। सबको पता है महात्मा गांधी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया है। 161 का हो गया आपका ए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? तो ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबसे अंत में कौन तैयार हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबसे अंत में तैयार कौन हुआ? तो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबसे अंत में कौन तैयार हुआ था? तो कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो हो गया 163 का आपका सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था? 164 हो जाएगा 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम कितने वर्ष तक की सजा दी गई थी? 165 का हो जाएगा आपका ए, 51 वर्ष। 165 का, 165 का ए। अब आइए 166 यानी 166। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तार किया गया? 166 का हो जाएगा आपका 9 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त। नेक्स्ट देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद को किस सेंट्रल जेल में रखा गया था? तो क्या हो जाएगा, सबको रखा जाता है, 167 का हो जाएगा आपका सी, बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन पटना का कमिश्नर था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन पटना का कमिश्नर था? तो हो जाएगा आपका डब्ल्यू जी आर्चर हो जाएगा आपका बी, 168 का बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस पद से बलदेव सहाय ने त्याग पत्र दिया था? ये क्या थे? महाधिवक्ता थे बलदेव सहाय राय, बलदेव सहाय तो क्या थे? महाधिवक्ता। 169 का आपका, 169 का ए हो गया। अब आइए 170, कब छात्रों द्वारा झंडा फहराने का प्रयास किया गया था जब कलेक्टर ने गोली चलाने का आदेश दिया? 11 अगस्त, सबको पता है, 170 का हो गया आपका बी। अब आइए 171, सिवान जिले के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई? तो 171 का आपका हो जाएगा फूलेना प्रसाद। कौन हो जाएगा? फूलेना प्रसाद। 171 का डी हो जाएगा। उनकी यादें शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उनकी यादें शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
आपको बताना है 172 का हो जाएगा तारा देवी, कौन हो जाएगा तारा देवी। नेक्स्ट देखते हैं 173, 13 अगस्त को कहां से आजाद हिंद नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, आजाद हिंदुस्तान, 13 अगस्त को आजाद हिंदुस्तान। 173 का आपका हो जाएगा सी, मुंगेर से आजाद हिंदुस्तान वो लघु समाचार पत्र था तो मुंगेर से इसे प्रकाशित किया गया था। 172 का आपने देख लिया था तारा देवी, ठीक है। 173 का देख लिया कहाँ पे, तो आजाद हिंदुस्तान मुंगेर। अब आइए नेक्स्ट है हमारा 174, 26 अगस्त से ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नाम से एक अखबार निकाला गया था, क्या हो सकता है, बिहार टाइम्स, मुंगेर टाइम्स। 174 का हो जाएगा आपका मुंगेर न्यूज, 174 का आपका आंसर हो जाएगा बी 174, बी 174 का बी। 175 मतलब 175वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 14 अगस्त 1942 को कहां सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में श्री अकलू साहू, गणेश जोशी और नथुनी शाह शहीद हो गए, तो ये होगा आपका 175 का हो जाएगा आपका मधुबनी, 175 का हो जाएगा आपका मधुबनी। निम्न में से किसने गांधी सेवा मंडल की स्थापना की, आपको बताना है गांधी सेवा मंडल की स्थापना किसने की, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। 176 का हो जाएगा आपका ए, केशव प्रसाद सिन्हा ने गांधी सेवा मंडल की स्थापना की, केशव प्रसाद सिन्हा। 176 का हो गया ए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में ही अब बताना है आपको जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था। 177 का आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। 8 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण के साथ कौन जेल से भागने में सफल हुआ, 8 नवंबर 1942 में, तो आपको बताना होगा ए योगेंद्र शुक्ल, बी गुलाली प्रसाद और सी शालिग्राम सिंह, ये तीनों हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका डी, 178 का हो गया डी। आइए 179 को देखते हैं हम लोग। जयप्रकाश नारायण जेल से भागकर सबसे पहले कहां गए, जेल से जब भागे जयप्रकाश नारायण तो सबसे पहले कहां गए, 179 का हो जाएगा आपका ए, कहां गए तो गया गए 179 का ए हो गया। ओ भाई सॉरी 180 जयप्रकाश नारायण ने कहां आजाद दस्ते का निर्माण किया, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से नेपाल है क्या, 180 का आपका हो जाएगा नेपाल। आइए 181, भारत छोड़ो आंदोलन में कहां सियार राम दल के दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में कौन सा, कहां सियार राम दल के महत्व, सियार राम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो 181 का हो जाएगा आपका बिहार। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस नहीं किया था, रास बिहारी बोस, बी नंबर 182 का बी, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कहां भारतीय एकता लीग का गठन किया गया, ये आपको बताना है आज का, कल कमेंट कीजिएगा मॉर्निंग में, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका।
तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोगों ने शानदार क्वेश्चन को देखा और इसमें से जो लगे आपको कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको राइट डाउन जरूर करें, एक नोट समरी बनाएं जो एग्जामिनेशन सेंटर तक आपको काम देगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और जो भी छात्र छात्राएं नए हैं इस चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर, ऑल पे क्लिक करना ना भूले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो एंड वीडियो को शेयर करा जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।